ए बउआ आ जा बाबू गले लगाओ बेटा बेटी सब अपना अपना नहीं देखता है। अब ऐसे ही चलते हैं करते हैं 150 होता है कुछ बना देगा पैसा रहेगा तब ना। अरे खुशी कहाँ होगी कुछ खर्चा बढ़ जाता है। हम लोग हमको अफसोस नहीं है करे या न करे हम अपने करते हैं। पर ना है पढ़ल लिखल नहीं ना है आप लेकिन हाँ। तो गमार गमारे ना होगा। माँ को जरिए मैंने पूछता पाछता है मगर हमको नहीं देता। तबीयत खराब हो गया से एक को रुपया कोई दिया कोई नहीं दिया। अब वही है बेचारी रहता है संग में तो वही सब भूज भान के देता है हाँ। ये हो गया 3, 4, 5। नमस्कार मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए हम रात में निकलते हैं और रात में कहानी ढूंढते ही है और आप तक पहुंचाते हैं। हम मौजूद हैं मौर्य लोक में पटना के मौर्य लोक में और ये शख्स आपको दिन में भी दिखते होंगे शाम में भी दिखते होंगे लेकिन समय 10 बज के भी ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है और पास में भी लोग कुछ हैं। पॉपकॉर्न बेचते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? किशोरी नाम है। केशवरी हाँ। या ईश्वरी? हाँ, किशोरी, किशोरी। किशोरी जी इतना दिन भर ये लटकाए रहते हैं दर्द नहीं करता है? दर्द करता है तो रख देते हैं। रख देते हैं हाँ। कितना साल के हैं आप? हो रहा 70। 70। बेटा बेटी? बेटा बेटी सब अपना अपना नहीं देखता है। बेटा कितना है आपका? है 4 गो। 4 बेटा है हाँ। और बेटी? बेटी ना। तो 4 बेटा में एक भी आदमी आपको पैसा नहीं देता है? नहीं देगा। क्या क्या करते हैं वो लोग? यही सब करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कोई जूस बेचता है कोई कुछ बेचता है। लेकिन आपको नहीं करता कुछ? ना। आप किसके साथ रहते हैं? हम नहीं दोनों बुढ़वा बुढ़िया है। अच्छा देखिए बात करने में हम भूल गए आप नीचे रख दीजिए इसको हम बैठ के 5 मिनट बात कर सकते हैं। चलिए हम कहानी आज आपको सुनाएंगे एक बाबा की। किशोरी नाम है। किशोरी ना बैठ जाइए बैठिए। और पॉपकॉर्न आप खाते होंगे जब सिनेमा देखने जाते हैं और मौर्य लोक में मुझे लगता है कि कोई भी पॉपकॉर्न बहुत कम ही लेता होगा। सब लोग चाट गुपचुप चिकन। तो कैसे जिंदगी काटते हैं आप? अब ऐसे ही चलते हैं करते हैं 150 होता है। तो कहाँ रहते हैं आप? पटना कला भी रहते हैं हाँ। बगल में। तो क्या खाते हैं सुबह उठ के एकदम? यही में गुजर करते हैं। आओ रोटी है चावल है यही है। सबसे बढ़िया क्या बनाती है आपकी बीवी? कुछ बना देगा पैसा रहेगा तब ना। तो शुरुआत से आप ये पॉपकॉर्न बेचते हैं हाँ। इससे पहले कुछ किए कभी? किए थे। क्या किए थे? पहले आइसक्रीम बेचे तब पॉपकॉर्न बेचे तब यही सब बेचते ही रह गए। आइसक्रीम बेचे थे हाँ। तो जवानी में आइसक्रीम बेचे हाँ। और बूढ़े हो गए तो पॉपकॉर्न बेचते यही बेचते। 100 रुपए कमाते हैं हाँ। 100-150 100-150। और जब 200 कमा लेते हैं तो खुशी मिलता होगा अलग? अरे खुशी कहाँ होगी कुछ खर्चा बढ़ जाता है। क्या खर्चा? कोई चीज दूसरा चीज लेते हैं। और ये हमें बताइए कि 4 बेटा है और आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो रोना बहुत आता होगा? हम लोग हमको अफसोस नहीं है करे या न करे। कोई दिक्कत नहीं है ना हम अपने करते तो हैं। मोहब्बत नहीं है अपने बेटों से? क्योंकि एक बाप को तो मुझे लगता है एक मोहब्बत जरूर होता है बेटा से। अनपढ़ ना है पढ़ल लिखल नहीं ना है आप लेकिन हाँ। तो गमार गमारे ना होगा। वाह वाह मतलब देखिए दिल को छूने वाली बात कह गए केशवरी जी ना हाँ। केशवरी जी दिल को छूने वाली बात कह। देखिए बेटा अगर पढ़ा लिखा होता तो जरूर कर देता। अब बेटा गंवार है तो क्या करेगा? क्या करेगा? जी चारों गंवार है सब इसने है पीने खाने वाला। तो वो लोग कभी नहीं आते आपको झांकने के लिए? ना कभी देखता उकता ना है। अब अपनी माँ को? माँ को जरिए मैंने पूछता पाछता है मगर हमको नहीं देखता। तो ऐसा क्या हो गया आपके जीवन में कि आपके बेटे ही आपके आपसे दूर हो गए? बूढ़े हो गए इसलिए कि करना नहीं पड़े। और सब्जी वब्जी कौन लाता? आप ही लेके जाते हैं घर पे हाँ। सब चीज सब। कितने बजे से बेचना शुरू कर देते हैं? ये तो रस्सी है गर्दन में चुभता होगा। यहाँ 3 बजे कभी 4 बजे आ जाते हैं।
आई टाइम में जाएंगे। ई टाइम में कितना कमा लिया आज दिन भर में? कहाँ लगता है कि 150 रुपया हुआ, 150 रुपये हो गया। चलिए 150 रुपये कमा लिए हैं। 70, देखिए 70 साल में अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि जो भी लोग मौर्य लोक आते हैं, चाट खाएं, बटाटा पूरी खाएं, चिकन रोल सब चीज़ खाएं, लेकिन ये 10 रुपये का है। 10 रुपये तो 3 बजे से मेहनत करते हैं, कितना बिक जाता है? बिकता है 300 रुपया पूंजी लग जाता है, और वही 150 रुपया बचा। 150 मतलब कमाते हैं। हाँ, तो 4 बेटा है आपका, चारों कोई नहीं ध्यान देता? नहीं ध्यान देता, कुछ नहीं करता है। अभी चारों क्या क्या करता है? अभी तबीयत खराब हो गया से को रुपया कोई दिया नहीं? दिया कोई नहीं दिया, कोई बुढ़िया निकाला पैसा तो दिया। बीवी जो है वो बहुत आपको करती है? वही तो हमारा जाने बचा रहा। वही जान बचा रहे? प्यार कितना है उनसे? अब वही है, बेचारी रहता है संग में तो वही सब भूज भांज के देता है। हाँ। हम सामान लाते हैं और वही 3 बजे से निकलते हैं। 3 बजे से निकलते हैं, यही हम बेचबे करते हैं। चलिए तो अगर हम 10 रुपए का है तो अगर मान लीजिए हम 5 खरीदें और उसके बदले 100 रुपए दे देंगे, चलिए तो खुश होंगे? खुश होंगे, घर का एकदम मजा हो जाएगा। तो चलिए हम पहले 5 पैकेट ले लेते हैं आपसे, 2 और दीजिए, ये हो गया 3, 4, 5, कितना हुआ? 50 रुपए। देखिए 5 हम इसलिए ले रहे हैं कि हम खाते तो नहीं लेकिन मदद ज़रूर हो जाएगा, जो हमारे साथी हैं हम उनको देंगे। चलिए हम उनको देंगे ज़रूर, और उसके बाद हम फिर से बात करेंगे और इनको पैसा दे देंगे। चलिए ये रखिए, ये रखिए, ये रखिए। और अब बताइए कि चारों बेटा इतना बड़ा हो गया फिर भी कुछ नहीं करता? नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तबीयत खराब हो गया से एको को रुपया नहीं दिया। और पहले आप क्या करते थे? आइसक्रीम बेचते थे? आइसक्रीम बेचे, काम तो सब चीज किए थे। तो ये रस्सी वाला जैसा बात कर रहे थे, चुभता नहीं है गर्दन में? नहीं, कभी कभी दुखाई लगता है ना। हाँ। तो रख देते हैं, रख देते हैं। एक बार बेटा को बुला दीजिए, हो सकता है कि आपका मदद करने आ जाएगा। नहीं ना आवेगा। एक बार चलिए एक बार बुला दीजिए, मतलब दिल पे हाथ रख के, आएगा तो गले लगाएंगे कि नहीं? एक बार बुला दीजिए कि बेटा आ जाओ, जो भी आपका इच्छा है। ए बउआ आ जा बाबू, गले लगाएंगे? गले लगाओ। गले लगाने के लिए एकदम बेचैन है आप? हाँ। याद आते हैं वो लोग? हाँ। कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। हाँ। चलिए देखिए कहानी बहुत छोटी सी है और एकदम नॉर्मल सा है कि 10 रुपए का पॉपकॉर्न ये बेचते हैं और आप लोग जब खाने आते हैं कि बटाटा पूरी खा लें, भेल पूरी खा लें, आइसक्रीम देखिए, आइसक्रीम देखेगा आपको तो आइसक्रीम खा लें, लड़की के साथ आएंगे, माँ के साथ आएंगे, बाप के साथ आएंगे, लेकिन आपको ये शख्स नहीं नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग पॉपकॉर्न खा ज़रूर लेंगे खरीद के, मूवी देखने जाएंगे तो पॉपकॉर्न ज़रूर खा लेंगे खरीद के, लेकिन ये आपको नहीं दिखेंगे, ये जो हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन ठीक है, ये जैसे कि माइक पकड़ के लास्ट में हम फिर बोलेंगे कि एक बार फिर से बुला लें अपने बेटे को, हो सकता है आके गले लगा लेंगे। आजा बउआ गले लगा दो, नहीं ना आवेगा। देखिए बार बार ये नहीं ना आवेगा, नहीं ना आवेगा, नहीं ना आवेगा, बुलाएं तो आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। बुलाएंगे, देखिए बाप जब बुलाता है तो बेटा अगर बदमाश हो या बेवकूफ़ हो तो नहीं आता, लेकिन ये बाबा पटना के बाबा हैं, मुझे लग रहा है ये अपने 4 बेटे को नहीं, ये पूरे पटना के बेटे को बुला रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो मौर्य लोक पहुँचे और 10 रुपए का पॉपकॉर्न जैसे ये बेचते हैं मेहनत करके वो खरीदे ज़रूर, क्योंकि आप इधर उधर पैसे लगा ही देते। तो मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि रात में हम जब निकले तो इस बाबा को देख के मुझे लगा कि इनके पास कोई नहीं, लेकिन जब मालूम हुआ कि 4 बेटे हैं और 4 बेटे इनको कुछ नहीं करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है पटना में जितने भी नौजवान हैं, बूढ़े हैं, इनके कम एज के हैं, इनके साथ ही हैं, अगर वो उनके पास 10 रुपये है
तो इनसे ज़रूर खरीदें। 3 बजे के बाद ये मौजूद रहते हैं मौर्य लोक में, रात तक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बस वीडियो बना सकता हूँ और कुछ खरीद सकता हूँ। आप आइए, आप पॉपकॉर्न खरीदिए, पैसा दीजिए, पॉपकॉर्न ले जाइए, ऐसा फ्री का मत दीजिए। पॉपकॉर्न ये मेहनत करते हैं, ये मांगते नहीं है, ये मेहनत करते हैं। तो पॉपकॉर्न खरीदिए, ले जाइए, खाइए घर में, मूवी देखिए। तो बस आवाज़ हमने उठा दिया है, अब आपकी बारी। जितने भी बेटा हैं जो इनका आवाज़ सुन रहे हैं, वो बस उठें और मौर्य लोक पहुँच जाएँ पॉपकॉर्न खरीदने के लिए। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।